बच्चों, आज हम सीखेंगे आ की मात्रा को पढ़ना। और आ की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली, ये है हमारी आ की मात्रा। आ की मात्रा का प्रयोग हमेशा किसी भी वर्ण के बाद में किया जाता है। जैसा कि यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। पढ़ना शुरू करेंगे। अ, अ के साथ आ की मात्रा लगेगी तो ये जुड़ के बन जाएगा आ। म, आ म। त, त के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा ता। ल, ल के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ला। ता, ला। र, र के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा रा। ज, ज के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा ज, रा, ज। ह, ह के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा हा, थ, हा, थ। ग, ग के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ग, य, गाय। क, क के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन गया हमारा का, र, कार। छ, छ के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा छा। त, त के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ता, छा, ता। ब, ब के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा बा। ज, ज के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा जा, बा, जा। म, म के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा बन गया मा। ल, ल के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन गया हमारा ल, मा, ल। च, श, म, म के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा बन गया मा, चश, मा। त, ब, ल, ल के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा बन गया ला, तब, ला। अ, न, न के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा बन गया ना, र, अनार। बच्चों, आप ऐसे ही आ की मात्रा का प्रयोग करते हुए आ की मात्रा का अभ्यास करें।